नमस्ते बच्चों, आज हम दुख का अधिकार पाठ से कुछ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? Why no one was buying muskmelon from that lady? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो कपड़े से मुंह छिपाए और सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। No one was buying muskmelon from her because she was sitting there in market and she was keeping her head on her knees and she was crying continuously. So no one was buying muskmelon from her. Second question, you see, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? How did the author feel by seeing that lady? उस स्त्री को रोते देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी, परंतु अपने अभिजात वर्ग के होने के कारण उसके पास बैठकर उसके रोने का कारण न जान सका। सो व्हाट डिड ऑथर फील? ऑथर फेल्ट बैड, व्यथा सी उठी, उनके मन में व्यथा सी उठी। ही फेल्ट बैड बाय सीइंग दैट लेडी क्राइंग, बट अपने अभिजात वर्ग के होने के कारण, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द रिच फैमिली, ही वॉज फ्रॉम अपर क्लास, he was not able to sit near that lady and couldn't ask her what is the reason why she was crying. Now see the third question. मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? What is the importance of our dress in our life? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक को देखकर ही पता चलता है कि वह व्यक्ति उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। सो पोशाक इज वेरी इम्पोर्टेंट, ड्रेस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। बाय सीइंग द ड्रेस वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन, वेदर दैट पर्सन इज फ्रॉम अपर क्लास और फ्रॉम लोअर क्लास। अब अगला है चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने स्तर से नीचे के लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम समाज के भय से उनके पास बैठकर उनका दुख दर्द नहीं जान सकते। इस प्रकार दो विभिन्न वर्गों में व्यवधान बनकर रह जाती है पोशाक। सो पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है, मीन्स वेन आवर ड्रेस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने स्तर से नीचे के लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। आवर ड्रेस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस एट दैट टाइम वेन वी वॉन्ट टू नो अबाउट अ पर्सन्स फीलिंग्स हु इज फ्रॉम द लोअर कैटेगरी और फ्रॉम लोअर कास्ट और फ्रॉम लोअर कैटेगरी फ्रॉम अस। उस समय हमें लगता है कि हम समाज के भय से उनके साथ बैठकर उनका दुख दर्द नहीं जान सकते। सो वी फील एट दैट टाइम दैट बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, समाज इज सोसाइटी, बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी वी आर अफ्रेड ऑफ आवर सोसाइटी एंड वी कांट गो नियर देम and we can't sit near them and ask what is the problem, what is the pain in their life. इस प्रकार दो विभिन्न वर्गों में व्यवधान बनकर रह जाती है पोशाक। Like this, the dress will be a problem for two class of people. अब देखेंगे हम पांचवा प्रश्न। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? By seeing that lady, why author thought about his neighbor who was संभ्रांत महिला? संभ्रांत महिला means rich lady from rich family. One lady was there in author's neighbor. He was thinking about that lady. बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसके पुत्र वियोग के दर्द का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। उसने भी अपना पुत्र खो दिया था, इस कारण वह महिला 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। हर 15 मिनट बाद उसे मूर्छा आ जाती थी।
दो दो डॉक्टर उसकी सेवा के लिए सिरहाने बैठे रहते थे, जबकि इस बुढ़िया को अगले दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा। सी बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसके पुत्र वियोग के दर्द का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस के सम्राट महिला की याद आई। सो बाय सीइंग दैट लेडी हु वाज देयर इन द मार्केट एंड क्राइंग, बाय सीइंग हर एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट लेडी, देन ही थॉट अबाउट द रिच लेडी हु वाज हिज नेबर। उसने भी अपना पुत्र खो दिया था। दैट रिच लेडी ऑल्सो लॉस्ट हर सन। इस कारण वह महिला 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। 2.5 मास मीन्स 2.5 मंथ्स। सो फॉर 2.5 मंथ्स दैट लेडी वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम हर बेड। हर 15 मिनट बाद उसे मूर्छा आ जाती थी। ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस इन एवरी 15 मिनट्स। दो दो डॉक्टर उसकी सेवा के लिए सिरहाने बैठे रहते थे। सो टू टू डॉक्टर्स वेर देयर, टू डॉक्टर्स वेर कंटिन्यूअसली टेकिंग केयर ऑफ हर। दे वेर सिटिंग नियर हर टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। जबकि इस बुढ़िया को अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। बट दिस लेडी हैड नो ऑप्शन, सो ही शी हैड टू कम टू द मार्केट टू सेल द मास्क मेलन टू लीव हर लाइफ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच लेडी एंड द पुअर लेडी हुज फीलिंग्स वॉज सेम बट द सिचुएशन वॉज डिफरेंट। थैंक यू।